Hello, everybody. Okay, थोड़ा वेट करेंगे. Let the people join in. आज तो मैंने कमाल ही कर दिया है, बिना बताए आ गया. वैसे मैंने कल बताया था, ऐसी बात नहीं है. हाय जमरिदुल, हाय हाय हाय, हाउ आर यू गाइस. थोड़े लोगों को ज्वाइन होने देते हैं. हाय 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 लेजी पेजी, हमारी कॉफी पेंडिंग है. पीते हैं यार कॉफी फिर. हेलो शाह, हाय हाय हाय, हेलो. लुक हूज हियर, हाउ आर यू. आई एम गुड आसद, हाउ आर यू. आई एम गुड नो नेम. हाय शिल्पा, हाय हाय. और क्या चल रहा है आप लोगों का संडे को? Hey, I'm Sam. Hi, Sam. So, कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड? क्या चल रहा है अपने बारे में बताओ, या फिर आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं. मैं तो एकदम रेडी हूँ वर्कआउट करने के लिए. लाइव लूंगी, अभी तक मैंने वर्कआउट नहीं किया है, तो उस पर जाऊंगी. एकदम रेडी हूँ वर्कआउट करना. Okay. Hello, lots of love from Nepal. Thank you. Bro, I only watch stories for you. Thank you, bro. I am also performing for you guys, bro. Warna jitna head fuck ho rakha hai wahan pe to kya hi batau. Aakriti jaisa hi haal tha mera, but nahi ho pa raha tha. Today's episode was like too weird. Batao thoda aur batao, what was weird about it? Maine bhi dekha episode aaj ka. वोट आउट ही रहा है. प्रेम चला गया, बाबे नहीं यार फिर चला गया बाबे. तू एक तू ही तो था अकेला गैंग में जो मेरे को हंसाता था, अच्छे लगता था उस गैंग की थोड़ी वियर्ड सी वाइब्स में. अब क्या होगा मेरा. प्रिंसल ऑन टॉप 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 जी. Hi to you, love from Sri Lanka. Hi, hi. Thank you. Hey, favorite. Big fan. Same here. You really motivate people to be fit. Thank you so much. अच्छी बात है ना फिट होना, तो अच्छी बॉडी रहेगी. यू नो कॉन्फिडेंस बना रहता है, पोस्चर डेवलपमेंट हो जाती है, मसल हैं तो आने वाले टाइम में यू नो गुड मसल इक्वल इन टू स्ट्रेंथ ऑल्सो, रिगार्डलेस मेल है या फीमेल है. सो फिटनेस तो एकदम है ये लाजवाब चीज, यू नो ओवरऑल लाइफ स्टाइल और आपके लाइफ जीने का स्टैंडर्ड इट जस्ट गोज अप. हाय जतिन, हाउ आर यू. हाय पीयू, यू आर सो स्ट्रांग. थैंक यू सो मच. और भी बताओ कुछ, और इवा पूछो कुछ. यार बस अभी जिम वर्कआउट के लिए जाने वाली हूँ, जो सारी चीजें रैप अप करी, मैंने काफी काम था वगैरह सबको निपटाया. बेसिकली हाउस छोड़ दिए थे जो कि काफी टाइम से छेड़े भी नहीं थे. फिटनेस चाहे हमेशा, चाहे हमेशा, भले कुछ मिले ना मिले. फिटनेस चाहिए हमेशा, चाहे कुछ मिले ना मिले. सही पकड़े हैं, एकदम 100% सही पकड़े हैं. यू आर ग्रेट ह्यूमन बींग, यू आर डाउन टू द अर्थ. थैंक यू सो मच. I wish previous Gautam gang would be there. I wish it too, but at the same time our show का concept ही ऐसा है, जो भी चीज़ें stable होती हैं वो ज़्यादा समय तक stable नहीं चलेंगी, because you know यार वहाँ पर भी concepts होते हैं अलग अलग, उनको भी आगे data निकालना है, चीज़ें करनी है. तो make the show interesting for you guys, so that you keep on watching it, you know, so things like that happen. दिल छोटा मत करो यार, होती रहती है ऐसी चीज़ें. हम प्रेम को मिस करते हैं, मैं भी प्रेम को मिस करती हूँ. मन कर रहा प्रेम को बताऊं. शीलू शीलू शीलू, क्या पता शीलू आ रहा है. आई कैन टेक इट. एंड गणपति बाबा ऑलवेज ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू मिस ऑल गौतम गैंग.
दीपिका, यू यू यूज टू ऑलवेज इग्नोर मी, कहाँ पे? डोंट टेल मी तुम कमेंट सेक्शन से ले रहे हो ये चीज़ और फिर बोल रहे हो मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ. नहीं यार, थैंक यू. हमसे भी हाय करो पीयू जी, मैं भी आपका आपके फैन हूँ. हाय लेजेंड भैया. क्या नाम है? लेजेंड भैया, इंटरेस्टिंग नेम. बिग फैन पीयू, बिग फैन भैया, बिग फैन सर. हाय प्रकाश, बिग फैन प्रकाश. आई मिस यू. Why do you miss me? मैं कल भी लाइव आई, आज भी लाइव आई, कंटेंट भी डाल रही हूँ अब तो रेगुलर बेसिस पे ताकि आप लोगों को ऐसे मिस ना फील हो. Why do you miss me now? कुछ और किए तो बताओ. If you want me to produce new kind of content जिसमें आप लोगों को यू नो अच्छा लगे मुझे उस चीज़ में या उस अवतार में देख के, तो आइडियाज ड्रॉप करो. मैं रिकॉर्ड भी करूँगी ये लाइव ताकि मैं उन आइडियाज पे काम कर सकूँ. तो कुछ आइडियाज दो मेरे को, मतलब what sort of content you want to see from my end. मैं तो अपने साइड से दे ही रही हूँ, but at the same time you never know, you guys also have some you know hypothetical perceptions of me ki aise achhi lag sakti hai view, aise content mein bhi achhi lag sakti hai view. To likho, I will read it up. Love from Kethal, thank you bhai. Aap jo bola hai story ki story pe clip ke cut ho gaya, kya tha clip mein? Acha, good question. So, जब शीलू जा रहा था तो शीलू टेल्स मी कि पीयू रोडीज जीत के आई हो, एंड आई वाज लाइक हाँ अबे रोडीज जीत के आऊंगी एंड आई मिस यू ऑल्सो. तो ये वाला सेगमेंट था जो कि था जिससे यू नो पता चलता कि मैं उसको बहुत मिस करूंगी आने वाले टाइम में. चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है. प्रेम भाई के बिना क्या ही मजा आएगा. इट्स लाइक ग्रीन टी में से ग्रीन निकल गया, सुबह में से सूरज निकल गया. भैया मेरी भी बात रिप्लाई करो यार, तुम्हारी भी बात रिप्लाई कर दी मैंने राजा. आशिका हिमांशु ने क्यों एक दूसरे को अनफॉलो किया आपको पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, या उनको पर्सनल है होगा कोई सीन, नो आइडिया. पर्सनल भी है या नहीं है ये भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता यार क्यों अनफॉलो कर दिया. पर आइडिया लेके आऊंगी फिर थोड़ा बताऊंगी. वैसे करना तो नहीं चाहिए था. व्यू मैम बिग फैन, आई विश कि आप रोडीज विन कर जाओ. मी टू, आई ऑल्सो विश. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. सो क्यूट पीयू, थैंक यू. ओके, आई यूज टू लाइक यू एंड हिमांशु व्हेन यू वर इन जीजी गैंग, बट देन यू गाइज चेंज. आई डोंट नो व्हाई, इवन इट सीम्स यू गाइज गिव प्रायोरिटी टू प्रिंस ओवर गौतम एंड व्हेन यू वर इन जीजी गैंग इट बेस्ट. क्या नाम है सलमान? सलमान बाबे ये बताओ, तुम होते, तुम मेरी जगह आ जाओ ठीक है, तुम होते और तुम्हारा गैंग स्वैप हो जाता राइट. अब बोलने के लिए होती है बातें कि हाँ नहीं हम यहाँ पे रहेंगे वहां पे रहेंगे, इससे वहां से खेलेंगे यू नो दिल से रहेंगे, कहीं भी होता वैसे खेलता. अगर तुम कहीं भी होते वैसे खेलते ना, तुम अगली चीज सबसे पहले निकलते वोट आउट में. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रोडीज में जीतूं तो यार ये सारी डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी. अब गैंग स्वैप होने के बाद आप क्या चाहते हो कि मैं नहीं खेलूं प्रिंस भाई के लिए, मैं परफॉर्म करना छोड़ दूं, हाथ पांव छोड़ के बैठ जाऊं, फिर क्या होगा मेरे साथ? तू ये बता दे सलमान क्या होगा मेरे साथ, वोट आउट ही होंगी ना मैं? तो तुम कह रहे हो कि तू सरवाइव भी मत कर, तूने एक बार ही वोट डिसीजन ले लिया उसी पे बैठे रहो, सरवाइव मत कर. लाइफ ऐसे थोड़ी ना होती है यार सलमान, इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेशन एंड मूविंग फॉरवर्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी कोई रिस्पेक्ट कम करती हूँ या फिर मेरे दिल में नहीं है वो, या वो चीज है बट एट द सेम टाइम इट्स मूविंग फॉरवर्ड एटीट्यूड, वो चीज करनी पड़ती है. आप जितना कह रहे हो कि हिमांशु और पीयू का यू नो भाव चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, अब बताओ नहीं होता तो सरवाइव कैसे करते? अगर वैसे ही रहते तो सरवाइव कैसे करते?
वी आर ऑलरेडी गोइंग समवेयर जहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने बस के रह रहे हैं, तो वी आर द न्यू पीपल कमिंग ऑन टू देयर लैंड. अगर हम एडजस्ट और अडैप्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा, अपना कैसे चलेगा सलमान? अब तू जवाब दे मेरे को कॉमेंट सेक्शन में. आशिका से मत लड़ो ना प्लीज, मैं नहीं लड़ती आशिका से, मुझे कौन, मुझसे वो ढंग से बिहेव नहीं करते, मुझे ढंग से बातचीत नहीं करते एंड मेरे को अच्छा नहीं लगता. तो मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, सीधी सी बात है. उसने मेरे को हाथ मारा, वो तो पहली बारी के लिए आया, ये कोनी यहाँ रखी है, यहाँ भी कर ले, और तुम्हें पता है साइड में कोई खड़ा है तो सीधे ही खड़े हो जाओ ना, तुम्हें क्यों कोनिया ला ला के. एक तरीके से बॉडी ब्लॉक भी होता है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज जानते हो या फिर यू नो एनी रेजोनेशन. तो अगर कोई तुम साइड में खड़े हो, ले सपोज तुम मेरे साइड में खड़े हो और मैं तुम्हारे आगे आके तुम्हें ऐसे कोनी से यूं कर दूं, तो एक तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज होती है जहाँ पे दिखा रहे हो कि मैं तुमसे आगे हूँ और मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूँ, तो पीछे रहे. और ये चीज़ पहली बार ही नहीं हुई थी बाबे, ये चीज़ बहुत पहली बार हो चुकी है. उस वक्त हम को बस हो गया, तो हम बोले मत कर, कोनी साइड रख, मारेंगे कोनी. प्रेम गए. You, you are amazing and I just wish you coordinate good with your gang. 100% I'm giving my best. I'm talking to the person I never wanted to talk to in my entire life. Show तो बहुत दूर की बात है, but I'm still doing it. मैं अपने साथ वो चीज़ कर रही हूँ जो कि मैं कभी भी नहीं करती उस बंदी के लिए, बट गैंग के लिए मैं कर रही हूँ, प्रिंस भाई के लिए मैं कर रही हूँ, रोडी शो के लिए मैं कर रही हूँ. अदरवाइज अगर मैं अपने ऊपर आ लूँ, अपने ऊपर बात करूँ, तो मैं ऐसे इंसान से कभी बात नहीं करती अखी लाइफ, उसकी तरफ मैं मुड़ के भी ना देखूँ. I manifested you with the prince and you look good there. Love, pew pew pew, pew pew pew, thank you. I just love your smile, thank you. And I love your comment. You are so strong, pew. Yes. Fan theek kara lo. बदतमीज आदमी. तू पैसे भेज तब कराऊंगी, फैन ठीक कराऊं. Who's your good friend apart from Prem and Prakram after roadies? दो मिल गए कम है क्या, दो मिलने वो भी अच्छे मिलने बहुत भाग्य की बात होती है, इतने में ही खुश हूं मैं. मेरा मैसेज आज तक नहीं पड़ा, अंकित पढ़ लिया, अच्छा ही लिख लेते कुछ. हाय अम्मा, तक फैन की बात हुई, बंद कर देती हूँ, इतना कर सकती हूँ मैं. व्हाट चीटिंग, जस्ट आस्किंग. सो दिस इज कैरेट एंड दिस इज कुकुम्बर, रफ एज प्रोटीन, प्रोटीन के बाद रफ एज और ब्लैक कॉफी भी साथ के साथ. डू यू सी इट, और फिर जिम जाऊंगी, ब्लैक कॉफी, कॉफी पीते 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 बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और फिर दौड़े हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, यू बिग फैन, आई सपोर्ट यू, थैंक यू विक्या. आई एम फ्रॉम दिल्ली, born and brought up in Delhi, and then I did my schooling, like partial schooling, 11 and 12 from Ryan International, Chandigarh. Hi Pew, naam to le lo mera ek baar, please please please. Vicky, Pew jishab cry baby ki naak phod do, nahi yaar nahi. मैं बस वेट कर रही हूँ बाबा को ऑर्डर लाए, बाबा कॉल करे हमको, दैट इज ऑल ओके. बिग फैन दी, जिम के साइड में बैठ के आपकी लाइव देख रही, लव फ्रॉम कोलकाता. थैंक यू मैम, मुझे भी बोलो. हेमंत तुझे भी बोल दिया, आई लव यू बेबी बी 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 बी.
ओके, मैं बहुत पीछे हूँ कमेंट्स में, और शेयर काफी पीछे, सदियों पीछे हैं। रोडीज कौन जीता बताओ, किसी को नहीं बताऊंगी। वाओ, बताती हूँ, इधर आओ, कान लाओ, कान लाओ इधर, किसी को बताना। इफ यू टेक मी ऑन लाइव ना, आई हैव क्वेश्चंस। नहीं लूंगी लाइव पे, मेरे को जिम जाना है। हाय अनमोल सर, हाउ आर यू, आई हैव यू लव फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, थैंक यू। मैं कम से कम 200-150 मैसेज पीछे थी, और मैं जो जो बोल गई पूछ गई उसके रिस्पांस नहीं पढ़ पाई मैं, माफ करिएगा। या थैंक यू, नो नेम, योर सीक्रेट इज सेफ विद अस। पराक्रम भाई को ऐड करो, पराक्रम भाई है। क्वेश्चन ओके हियर, क्वेश्चंस ओके हियर। पराक्रम भव्य, अगर आप लाइव से हो तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट शेयर करना। और मैं अभी अभी जस्ट लेटेस्ट कमेंट्स पे आई हूँ, मैं कम से कम 150 कमेंट्स पीछे थी जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। प्रेम भाई, वी मिस यू सो मच, सेम हियर। क्यों आज जिम मत जाऊं? नो, जिम तो जाऊंगी, वरना ये कैसे आएंगे। आई वांट यू बबे, बहुत मजे। प्यू पराक्रम को लाइफ में ले लो, पराक्रम बाबे कहाँ हैं? प्राक 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 पराक्रम चलो तो नहीं गया जब तक हम देखे, कल भी यही हुआ, प्रिंस भाई आए हम लेट कमेंट पढ़े, आज भी यही हुआ है। ओके, पराक्रम की रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे ख्याल से, पराक्रम ने साइन आउट कर दिया है। अच्छा, मैं फिर से 150 कमेंट पीछे। पीयू लव यू सो मच यार, बिलासपुर छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच यार। हाय निकिता जी, कैसा गया आपका बर्थडे? हिमांशु आने बाबे, रिक्वेस्ट तो आ रही है मेरे को, मैम एक बार तो रिप्लाई कर दो, मेरे लाइफ पे दिक्कत है कुछ, पराक्रम की लाइफ पे दिक्कत है कुछ। क्वेश्चन 3, यू ऑल्सो हैड हिमांशु एंड प्रेम ऑन योर साइड, सो स्टिल वाई अनफेल्ट कॉर्नर्ड? मतलब हिमांशु कहीं ना कहीं, शी आशिका एंड हिमांशु साथ में है और अब वो एक गैंग में भी है, सो दे वर यू नो बीइंग टुगेदर, तो उसकी वजह से I did not want to intrude into their, you know, ongoing flourishing relationship. So, कहीं ना कहीं हिमांशु को पहले जब हम GT गैंग में रहते थे तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, बट फिर हम प्रिंस भाई की गैंग में आए तो उसका टाइम वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा था, मतलब by natural forces, of course. तो फिर हमारा सिस्टम हिल गया। मैं क्या करूँ? हाय शर्मिला, ओके बट आई विल ट्राई। लव फ्रॉम कोलकाता, हेयर इज सोमन आस्किंग फॉर द 9th टाइम, इन विच ईयर यू स्टार्टेड वॉचिंग रोडीज, पिक द क्यू सोनम पांडे, पिक द क्यू सोनम पांडे। यार आप मेरे जर्नल नॉलेज टच कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, नहीं क्योंकि मैं जवाब हट ओ एली Ali snoring bro, मैं दिखाती हूँ यार बैठने, गुस्सा कर रही हूँ, who's sleeping, you're behind, who's sleeping, my behind, मैं बिहाइंड, ये क्या मतबल हुआ, ये कौन सी इंग्लिश है। हाय नुपुर, सोने तो वैली को ओके
Are you going into the chula this year? Am I? You tell me. क्यों अली को सोने दो. हाँ ठीक है सोने दे रहे हैं बस ऐसे छेड़ रहे थे. लव फ्रॉम लुधियाना थैंक यू सो मच. मैंने पता क्या चीज नोटिस करी है जब से चीजें चल रही है ना जो लोग पहले हमारे क्लोज थे और सही बंदे थे मतलब उनसे अब हमें इतना अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है जितना मतलब हम आप लोगों से बात करते हैं बातचीत करते हैं आप लोग खुल के हमें बताते हो बातें पर जब अपने अगल बगल के वाले हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गए मुझे ऐसा लग रहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों. द क्यूटेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट यू आप स्पेस फिला जाओ किसी हॉट सी वंडी के हाथ है कपल हमको डर लगता है अब कपल होने से. मेरे को नहीं जाना मेरे को जाना है पर डर लगता है. यू लाइक स्पेस फिला डिपेंड जाना आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है. और फैजल कैसी है तू क्या बढ़िया एकदम बाबे चल रहा हुआ है एकदम मस्त कलंदर मस्ते मस्ते. आपको फ्रेंड्स गैंग में नहीं जाना था. मैं फ्रेंड्स गैंग में अपनी मर्जी से नहीं गया मेरा स्वॉप हुआ है स्वॉप. क्यों जो मर्जी स्प्लिट्स ना जाना प्लीज पाती माँ. ओके हाय ऋतिक हाय बेबी बॉय हाउ आर यू. गुड लक जीत के आना. जीत तो लूंगी आना का है वो दसो तुम. यू मिस जीजी गैंग. यस आई डू बट एट द सेम टाइम इट्स नाइस टू सी प्रिंसेस फेस यू नो. इसलिए समझ नहीं आ रहा बिकॉज यू आर नाउ इन रॉन्ग गैंग लीडर्स ही किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कंटेस्टेंट क्या सीखेंगे. सोनू सर ने सही कहा. ओ यार बाबे यार ऐसा कुछ नहीं होता वो बड़ों की अपनी की बात है उसमें मैं नहीं बोलूंगी. आप लोग ऑडियंस हो आपकी चार राय हो सकती है ठीक है बट मेरे को नहीं लगता पर्सनली मेरे को इस चीज़ के अंदर घुसना चाहिए पढ़ना चाहिए या फिर कोई अपनी टिप्पणी देनी चाहिए क्योंकि जिस मुकाम पे वो सारे के सारे लोग बैठते हैं चाहे वो सोनू सर हो रिया मैम हो गौती सर हो गौती भाई हो या प्रिंस भाई हो मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर इनफ है टू हैंडल देयर ओन मैटर्स. और आज तो उनकी हो गई यार दोस्ती यारी. यू आर वेरी कूल गर्ल प्रिंस सर की गैंग में जाके तुम थोड़ा चेंज हुई तो अजीब होगा. तो मैंने भी बहुत बैड कमेंट्स किया यार. तो अपने कमेंट डिलीट कर दे यार मत कर यार शिखांश. ओके गुड नाइट. आप लोगों को नहीं बोला कांची को बोला. कोई फ्रॉम नेपाल लव यू दी लव यू टू क्यू. रस मिला था जब धूप थी शूट में रसना मिला था. रसना तो बहुत मिला था बहुत सारा मिला था एक्चुअली यार बहुत सारा रसना लेमन वाला ऑरेंज वाला एकदम बढ़िया बढ़िया तीन तीन चार चार ग्लास ठप दिए हुए हैं. आप देख ही होंगे वीडियोज में कहाँ स्टार्टिंग की वीडियो थी और अब की वीडियो देखोगे तो ऐसी शक्लें भूतों जैसी हो चुकी है. जो मैं फाउंडेशन लेके गई थी ना जो मेरे कलर कॉम्बिनेशन का था वो मैच नहीं करता था मतलब वो फाउंडेशन लगाने का मतलब था यहाँ अलग तो इससे बढ़िया फाउंडेशन ही मत लगाओ. मतलब एक पॉइंट के बाद मैंने फाउंडेशन लगाना छोड़ दिया क्योंकि डार्क सर्कल और स्किन का कलर दोनों मैच. हे दीदी सेम माय नेम चौहान अंजलि चौहान. शिवेट के बारे में अपना ओपिनियन. शिवेट के बारे में मेरा ओपिनियन थोड़ा सब्र रखो दूंगी मैं आज नहीं दूंगी पर दूंगी अपना ओपिनियन. बट ओवरऑल ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नाउ ही हैज आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग सो इट्स गुड टू सी हिम परफॉर्मिंग. सो फार सो गुड. बस रोज नहाया और अपने आप ही फिर चेहरे पे निखार आ गया.
जी जी इतना लव एंड रिस्पेक्ट दिया और प्रिंस गैंग को ट्रांजिशन कैसा लगा? यार लव और रिस्पेक्ट तो बहुत मिला वहाँ पे. ट्रांजिशन मेरा स्टार्टिंग के एक दो दिन तो ठीक थे, मतलब जब तक प्रेम है टेंट में और था हो गया है अब तो, तब तक था मतलब बढ़िया. इट वॉज अ गुड एम्बियंस, मतलब मैं टेंट में ही हूँ अभी तक के लिए ना. प्रेम इज लाइक अ एनर्जी न्यूट्रलाइजर इन प्रिंस भाई गैंग. बट उसके जाने के बाद अब मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव करूंगी. आई मीन लाइक आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया क्या करूंगी कैसे करूंगी, बिकॉज यार कुछ भी बहुत ही टेंस माहौल चलता था. वो हंसाता था, दिल हल्का रहता था यार. अब हंसाने के लिए भी कोई नहीं है, मतलब वैसे टेंस माहौल है, मतलब इट विल बी लाइक टेंस का स्क्वायर. अब क्या होगा क्यों आपको पावर है? कौन सी पावर? क्यों हिमांशु है ना? अरे हिमांशु की लाड़ी भी तो है. तो और अब तो एक ही गैंग में है तो उनका समय कहीं और व्यतीत होता है. यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ? आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ. स्ट्रॉन्ग के चक्कर में हमारे मुंह से उल्टी सिल्टी बातें निकल जाती है. नींद की जरूरत है हमें बहुत सारी उस टेंट में. दीदी जाते हैं हिमांशु भैया के लाइव. आप नेपाली हो? मृणाली 100 से ज्यादा कमेंट किए मैंने पढ़ लिए. ओके मेरे को किसी का जवाब देना था. सॉरी सॉरी यार. कॉम्बिनेशन क्यूट विद हैमर पंच. यप यू राइट. प्रियंका गुप्ता एंड आशिका एंड ऑल. स्पेक्स का पूछ रही हूँ. अब मैं पहले वाला भूल के यार ने पहले पूछा था. आई लव यू ब्यूटी. आई लव यू टू गाइस. लव फ्रॉम असम. थैंक यू. नेक्स्ट वोट आउट में कौन जा रहा है प्लीज बता दीजिए. दीदी अंजलि इधर आओ. किसी को बताना मत. प्यूरी प्लीज टेक माय नेम. नाम तो लिखो बाबे. मैं लेती हूँ तुम्हारा नाम. यूव अंडरस्कोर ए डब्ल्यू डब्ल्यू. यू आप बाइक चलाते थे वहाँ पे रोडीज का राइड पे? हाँ मैंने बाइक चलाई है. राधर अभी हम जा रहे हैं ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे भी. क्या नाम है सीसू आया तो उस पर भी मैंने बाइक चलाई है. एकदम फुल पावर नेक्स्ट लेवल. और ये तो सबसे प्यारा रास्ता था बाइक चलाने के लिए. अब और भी बाइक चलाऊंगी. बहुत सारी बाइक चलाई है मैंने इसमें भी यार. प्यू डू यू स्पीक विद द जी जी आफ्टर रोडीज? यस यस. ये रात को कौन सा जिम ओपन रहता है? जो 24/7 खुलता है बाबे वो जिम ओपन रहता है. नाम नहीं बताऊंगे. प्लीज यू टी टेक माय नेम. हाय निकिता. मेरा नाम भी ले लो. आयेशा हाय. लव यू. यू आर फुल विनर मटेरियल. थैंक यू. आपका बाइक मेट कौन है? मेरा बाइक मेट मोस्टली अभी लास्ट ट्रिप पे तो प्रेम शुलू था. ये जो बैठा है जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो प्रेम शुलू और साथ में ही आए हैं हम. और इसके अलावा मेरे साथ बाइक में और भी कई लोग बैठे हैं. मतलब मैं भी बैठी हूँ लोगों के साथ. मैं सचिन के साथ बैठी हूँ. मैं वासु के साथ बैठी हूँ. मैं राजवीर के साथ बैठी हूँ बाइक में. और मेरे साथ हिमांशु बैठा है पीछे और मैं हिमांशु के साथ बैठी हूँ. काफी सही था. आई डिडंट सी टुडेज एपिसोड. बताओ ना क्या हुआ. वोट आउट. आज के एपिसोड में वोट आउट हुआ. और वोट आउट में प्रेम शीलू और श्यान निकल गए. और इसी के दौरान हमें श्यान को देखने का मौका मिला. पूरा मत मान लो. फिर से बताइए दी कौन जा रहा है? कुछ समझ नहीं आया. एपिसोड ले ले यार. समरी लेने आया मेरी लाइफ पे. प्लीज दी टेक माय नेम. हाय शिजुका. ओ शिजुका ये तो झूठा नाम है तुम्हारा. शिजुका
ड्रायर हद से ज्यादा कड़वा। यू कौन बेस्ट बाइकर था आपके अकॉर्डिंग? मैं ये क्वेश्चन मुझसे फिर से पूछना जब हम नेक्स्ट ट्रिप पे जाने से लगे होंगे, फिर मैं इंस्टेंस भी शेयर करूंगी क्या हुआ था। पर मैं बहुत कैम बाइक चलाती हूँ, गाइड इंक्लूडेड। प्लीज टेक माय नेम अखाया अखन खया अखन खया। यार मेरे को नहीं पता मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, पूरा मत मानिएगा, बट आई सेड इट। समथिंग इज द विनर आई नो। यार तुम्हें सब पता है ना, सब सच है, जो तुम्हें पता है सब सच है। एक तो अगल बगल वाले भी मुक्ते नहीं है, अगल बगल वाले रोडी सबको कुछ ना कुछ स्पॉइलर देने के लिए लगे रहता है। दैट्स हाउ देयर गिवन अट्रैक्टिंग देयर जनता ना। मैंने पढ़े लोगों के अलग अलग से कमेंट्स, स्क्रीन शॉट्स आए मेरे पास, लोग कैसे कैसे फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। कसीम बाजी पढ़ लो कमेंट, कसीम यार वो आपको शिवेद भाई का साव कैसे लग रहा, गोस्ट पैंग वाला कैम एकदम कैंट बहुत सही था। हाय समीक्षा एकदम जो उसने घुमा के फ्री फ्लो में खिश दिया है ना, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा झापड़। हम भी मारने वाले थे वैसे वही फ्री फ्लो का झापड़, बट जैसी मैं आई ऐसे ऐसे लूज हैंड रख के उसने ऐसे यूं बाल हटा दिए मुंह से कि मैं देख लूँ उसको। अगर उसने बाल नहीं हटाए होते तो धड़ाधड़ धड़ाधड़। नहीं नहीं बोलूंगी गुड नाइट, मैं नहीं जा रही, तुम क्यों जा रहे हो? हाय ली हाय प्रिया, ये आवाज जगा रही है, रात को नींद नहीं आने वाली। ये मेरा बच्चा खराटे मार रहा है और मेरे को बहुत प्यारी लगती है उसकी आवाज ही खराटो वाली। मेरे बच्चे के बारे में नहीं बोलना कुछ। वेयर इज प्रियंका? प्रियंका का नाम लेती है हमारे पीछे से टी शर्ट गिर गई। यार मत लिया करो ऐसे नाम। यू नया हेयर कलर कब आ रहा है? यार मैं सोच रही थी मैं करवाऊं नहीं कराऊं, मैं तो सोच रही हूँ कि स्ट्रीट्स करवा लूं। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा हेयर कलर कराऊं या स्ट्रीट्स में क्या कराऊं? बस बताना वह गैंग लीडर अच्छा कौन है। सारे गैंग लीडर बढ़िया है, मैं तुम्हें सच बता बता के यहाँ पे अपनी लगवा दूंगा। सच बताना सच बताना, गीता लिया मेरा आ गया, सच बताना। वन वर्ड फॉर प्रेम, वन वर्ड फॉर प्रेम इज स्वीट हार्ट। बर्गंडी बर्गंडी। व्हाट इज योर सुपर पावर दैट कीप्स यू गोइंग? माय सुपर पावर दैट कीप्स मी गोइंग इज मेडिटेशन। आई यूज टू मेडिटेट बाथरूम में जाके बैठ के, वहाँ से मेरा सेंटर चीज बनी रहती थी एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे बहुत हेल्प करता था। और मैं शिलोंग में भी जब थी तो मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती थी, इवन तो मैं थकी हूँ मैं ना थकी हूँ मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी और मैं जाती थी, मैं करती थी कितने क्या 20 push-ups 20 squats और रनिंग तो नहीं करती थी और मेडिटेशन 5 मिनट मेडिटेशन। टाइम वगैरह का तो पता नहीं था बट एक आइडिया था मेरे को, तो 20 push-ups 20 squats 3 repetitions एंड मेडिटेशन उसके बाद बैठ के जब मैंने वर्कआउट कर लिया उसके बाद मेडिटेशन करती थी एंड दैट्स हाउ आई सस्टेन्ड माई सेल्फ। और ये सोलांग वैली से करना शुरू कर दिया था मैंने हर रोज सुबह, ये तो पता भी है लोगों को, लोग सुबह सुबह देखते भी थे मेरे को, प्रोडक्शन वाले भी देखते थे मेरे को, तो ऐसे मैंने अपना स्टेबिलिटी बना के रखी। फिर अब थोड़ा स्वाप्स हुआ हो गया है तो अब तो मतलब वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी देखना आपको पता चलेगा परफॉर्मेंस बहुत है, बट मेडिटेशन कर लेती हूँ बाथरूम में बैठ के, चुपके से जाती हूँ चक 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 बैठती हूँ मेडिटेट करती हूँ 5 मिनट फिर बाहर आ जाती हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को दुख नहीं होते, फिर भी जो चीज़ें होती हैं मेरे साथ। टी शर्ट बेचारी
आई वॉन्ट यू लॉक इट. मैं नहीं दूंगी. शिविर कौन है आपका? शिविर क्या होना चाहिए मेरा? हाय वंशिका, हाय 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 मिलनी. वही पीयू, कितने लकी हैं आपके आपके पेरेंट्स जिनके पास आप जैसी शेरनी बेटी है. वरना चांद को रोज रूबरी मिल पाना बहुत बड़ी खुश नसीबी है. वाह 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 वाह. योर फेव टास्क, ओहो फेव टास्क हो जाता है वो. गोबर वाला जो टास्क था ना वो हो जाता है जैसे होना था ना, वो मेरा फेव हो जाता है, ऑल टाइम फेव. यू आर माय क्रश, थैंक यू. मैं भी रोडीज में आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हो, थोड़ा फिजिकली फिट होके आना और टैलेंट्स और स्किल्स को लर्न करके आना. इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का यूज भी तभी है जब आपने अपने ऊपर काम करके आया. तो अपने ऊपर काम करके जरूर आइएगा, चाहे वो फिटनेस हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, बट अपने पे काम करके आना है. सिर्फ ऐसे जाके खड़े नहीं हो जाना है वहां पे, ऐसे चलेगा भी नहीं. वैसे पता होना चाहिए. आई विल मैरी मी, तुम खुद से शादी कर लो. आपका बॉक्सिंग बहुत अच्छा है. थैंक यू बाबे. गोबर वाले को फेवरेट बोल के फांडा के दिल पे छुरी डाला. अभी एपिसोड देख के आया हूँ. तो फिर कैसा लगा मोंटी? शिवेद के बारे में बोलो ना कुछ. हाट 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 हाट. तुम्हें बड़ा सुनना है शिवेद के बारे में. शिवेद बोल दिया. यार शिवेद से मेरा बॉन्ड बहुत सही चला हुआ था ऑनेस्टली, जब तक मैं प्रिंस भाई की गैंग में नहीं आई थी. उसके बाद से मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ मैं. व्हाट्स योर गोल एंड ड्रीम इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम? यस सर, यू मिस्ड द क्वेश्चन. वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? लव फ्रॉम ग्वालियर, थैंक यू सो मच. रिप्लाई नहीं दे रही आप. कुनाव के एक्स एन आर रिप्लाई दे रही हूँ मैं आपको. आप पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे. ऋषभ वन वर्ड. एक बारी हाय बोल दो, एक बारी हाय. क्यों ब्रॉडकास्ट का लिंक आया? अच्छा, ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन ही नहीं है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर. आई डोंट नो क्या हो गया है, एंड मैं बना ही नहीं पा रही हूँ ब्रॉडकास्ट का. और एक और चीज़ बताती हूँ, जब अभी एक लास्ट पोस्ट रिलीज हुई थी ना, जब पल्ली वाली पोस्ट रिलीज हुई थी, उसके बाद ना मेरा कमेंट सेक्शन भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू कमेंट एनीबडी. मैं किसी को भी कमेंट नहीं कर पा रही थी, और मेरे को नहीं समझ में आया ये चीज़ क्यों हुई एक्चुअली. सो पर मैं आप कमेंट कर सकती हूँ. तकरीबन एक दो दिन तक मैं किसी भी पोस्ट पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकती थी. तो प्रॉब्ली उन 4-5 लोगों ने मिलके मेरा अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट लगवा दिया. चीप पीपल. एंड हिमांशु, हिमांशु कहाँ हैं? बाबे आप अगर चैट में हो तो आओ. पीयू जी प्लीज टेक माय नेम. आई एम सन्नू. हाय सन्नू, अच्छे से स्माइल कर दो. अच्छे भाई स्माइल. आपका रूम दिखाना दी. नहीं दिखाऊंगी, गंदा और रखा. कल दिखाऊंगी. यूट्यूब का कुछ करो. क्या करूं, तुम ही बता दो. हाय बोल दो ना. हाय दर्श, टेक माय नेम, डोंट इग्नोर मी, बिग फैन. Okay, I'll take your name. Hello चौधरी साहब, आपका आगे वाला नाम मेरे को क्लियरली नहीं समझ में आया. आपका पेट नेम क्या है? मेरे पेट का नेम एली है.
वो डीएम का रिप्लाई दे दो यार, यही पे पूछ लो, मैं बात करती रही हूँ यार आपसे बाबे। क्यों आप एडमिट पे पढ़ाते थे? Yes, I used to teach economics and business studies 11th 12th standard. आप लोगों को कैसे पता? क्यों जी? यश शुक्ला कुछ भी मत बोलो। Hi Pudi, how are you? I'm good. Calvin, how are you? Hey Di, Purvi. Hi Purvi. Purvi कौन? थोड़ा और लिखो। पूजा हैदर। Hi पूजा हैदर। शर्म नहीं, इन्हें रुकी हो वापस आ नीचे है। शर्म नहीं आ रही मेरे रिप्लाई ना देते रहे आप। नहीं आ रहे, इतने सारे जा रहे हैं, मतलब मैं क्यों शर्माऊं? आपको तरस नहीं आ रहा मेरे पे? मैं शर्मा लूं? तुम तरस दिखा लो। ओके हेलो प्यूदी, हेलो 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 दी, आई लव यू बिट्टू, आई लव यू। बाबे रितिक हियर, हाय रितिक, यू आर वेरी क्यूट, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड। ठीक है अब बस मेरा सैलेड खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और मेरे जिम जाने का समय हो चुका है। जिम जाऊंगा मैं भी, जिम जा रही हूँ, रनिंग करूँगी और क्या करूँगी, रनिंग तो करूँगी, फिर उसके बाद ग्लूथ ही करूँगी, फिर से रनिंग ग्लूथ स्किपिंग ये सब करूँगी। व्हाट्स योर फियर इन लाइफ? माय फियर इन लाइफ इज नॉट हैविंग माय मॉम अराउंड, एंड आई डेस्परेटली वांट टू बी विद माय मॉम। मैं उनके साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ जितना मैं करना पसंद करती हूँ। थोड़ा और लाइफ पे बात करते हैं हम, थोड़ा और लाइफ पे आया करूँ। ओके हाय रियल हरियाणवी, अमेरिकन फ्लैग्स बहुत सारे, प्लीज से माय नेम अनीशा। अभी जिम जॉन जाता है, हम तो सोने जा रहे हूँ, जो सोवत है वो खोवत है। मेरे को जिम जाना है यार, मैंने कल बहुत सारा वो खाया था, क्या कहते हैं, मैंने कप नूडल्स खाए हैं और उसमें कैलोरीज थी तकरीबन 300 and something, वो कैलोरीज तो मेरे को कम करना ही रहेगा, वो अनवांटेड कैलोरीज थी, पर मैंने फिर भी खा लिया कप नूडल्स क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं। यार मेरा सेम फियर है, सेम टू सेम, यू जिम इज द बेस्ट। Yes, gym is the best. कल ही सैटरडे था और ना मैं बैठी हुई थी और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ना बाहर जाना है, मेरे को ना चिल करना है, क्योंकि पूरे पूरे दिन मैं काम ही कर रही होती हूँ, कोलैबोरेशन आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग शूटिंग वीडियोग्राफी ये सब पे काम चल रहा होता है। तो फिर कल मेरे को लगा मैं हैंग करना चाहती हूँ किसी के साथ, भाई एक इंसान याद नहीं आया मेरे को दिमाग में जिनके साथ मैं हैंग करना चाह रही हूँ, इसका क्या मतलब है? यू अमेरिका के डॉलर चाहिए क्या? अमेरिका के डॉलर नहीं चाहिए मेरे को, इंग्लैंड का पाउंड चाहिए और कतार का भी चाहिए। बाबे मतलब बाबे ही क्यों दी? योर स्माइल इज वेरी क्यूट, थैंक यू सो मच। हाय मिसिया, ओके ठीक है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, मेरी कॉफ़ी भी फिनिश हो चुकी है, मैंने सैलेड भी खा लिया है, अच्छा खाफा, मैं जा रहा हूँ। होप यू गाइस हैड अ वेरी गुड डे टुडे, एंड आप लोग रेस्ट करिए, आप लोग आराम करिए, एंड सुबह जल्दी उठिए, मंडे शुरू हो रहा है, सो यू हैव टू किक योर डे। तो आज बातचीत कर ली है और हम क्या करेंगे अब, मैं तो जा रही हूँ जिम, आप लोग जाओ सोने के लिए जो सो रहा है, और अगर नींद नहीं आ रही है तो 50 पुशअप लगाओ, डेफिनेटली आ जाएगी। एंड गुड नाइट शब्बा खैर, लव यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय लाइफ कॉन्टिन्यूसली एंड मेरे से बात करने के लिए। तो
बाय, गुड नाइट।